Take roll sound. Hello and welcome back to my channel. फाइट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गर्मी को थोड़ा कुछ कम किया जाए ठंडा फालूदा खाकर। तो पहला मैं बनाऊंगी पिस्ता फ्लेवर और दूसरा है रोज फ्लेवर। फालूदा मैं बनाऊंगी रेडीमेड पैकेट से। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है फालूदा मिक्स जो कि है केसर पिस्ता फ्लेवर का, और पीछे ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको ये कैसे बनाना है। और ये मुझे मिला है 49 रुपीज़ का। तो अब मैं इसको खोल लेती हूँ। ये दोनों मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। अगर ये आपको पास के मार्केट में मिल जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो आप ग्रीन में देख रहे हो वो चीनी है, सब्जा के बीज हैं, जबे हैं और काले किशमिश हैं। थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ ऐसे पैकेट को लेकर, क्योंकि ना उसके अंदर जो सामान होता है ना वो कैसा निकलेगा ये देखने के लिए। गैस पर कढ़ाई मैंने रख ली है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फुल क्रीम दूध जो कि है 1/2 किलो, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप पानी। दूध में उबाल आने देंगे और जैसे ही उबाल आएगा इसमें हम चीनी डालेंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। आपको चीनी कैसी पसंद है, कम या ज़्यादा, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। चीनी डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए। अब हम इसमें डालेंगे केसर पिस्ता का मिक्स। जो हमें पैकेट में ग्रीन कलर की चीनी मिली है वो काफ़ी नहीं है हमारे इस फालूदे के लिए, इसीलिए मैंने इसके अंदर 1 कटोरी चीनी और ऐड की थी। फालूदा को दूध में डालते ही इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही है और इसका ग्रीन कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अभी ना ये बहुत ज़्यादा ही पतला है हमारे फालूदे के लिए, तो हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे इलायची पाउडर या आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बीच बीच में चेक भी करते रहें कि जब वे पके हैं या नहीं। ध्यान रखें हमें फालूदा को ना थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, अगर आप इसे पतला ही रखोगे तो ना खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि जो इसमें सब्जी के बीज और जवे हैं वो अच्छे से पके हैं या नहीं। तो ये देखिए दोनों ही चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, मतलब फालूदा बनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। बड़ा फालूदा मैं इसके अंदर डाल दूंगी और 5 मिनट के लिए मैं इसे बाहर ही रखा रहने दूंगी, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म है और 5 मिनट के बाद ही मैं इसे फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए। फ्रिज में मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मैंने यहाँ पर एक कांच का गिलास लिया है और इसे मैं कांच के गिलास में ही सर्व करूंगी। मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखा था क्योंकि गर्मियों में ठंडी चीज़ रुकती कहाँ है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी फालूदा, और ये आइसक्रीम ना मैंने घर पे ही बनाई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम आइसक्रीम, आपकी जो भी फेवरेट आइसक्रीम हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। और आइसक्रीम डालने के बाद अब मैं इसके अंदर दोबारा से फालूदा डालूंगी। फालूदा तो हमने ओवरलोड कर दिया है, अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कुछ ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी। चाहे तो कोई भी कलर की टूटी फ्रूटी ले सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कटे हुए पिस्ता। केसर पिस्ता फालूदा बनकर तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें केसर तो है ही नहीं, आपने कभी गुलाब जामुन में गुलाब देखा है? नहीं ना। इस गर्मी में आप इस फालूदे का मज़ा लीजिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप भी ये ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम पर। अब हम बनाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी जो है रोज़ फ्लेवर फालूदा की। मैंने यहाँ पर लिया है रोज़ फ्लेवर मिक्स फालूदा और इसका प्राइस भी 49 रुपीज़ ही है, और इसके पीछे भी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैं एक्साइटेड हूँ कि इसमें भी कोई पिंक कलर का निकलेगा। अरे वाह, इसमें तो पिंक कलर का निकला है, कितना अच्छा लग रहा है ना कलर। गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 किलो फुल क्रीम दूध और 1 कप पानी। उबाल आने देंगे, जैसे ही उबाल आएगा हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, क्योंकि जो फालूदे में चीनी मिलती है वो इस फालूदे के लिए काफ़ी नहीं होती। उबाल आ चुका है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी
और डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। चीनी अच्छे से दूध में मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे रोज फ्लेवर मिक्स फालूदा, और इसमें से खुशबू भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही है रोज फ्लेवर की, और कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है पिंक। वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे केसर पिस्ता में था। 4 से 5 मिनट के लिए हमें दूध को कम गैस पर ही उबलने देना है, और बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें और चेक भी करते रहें कि जवे और सब्जा के बीच पके हैं या नहीं। आप इसमें भी इलायची पाउडर या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ भी डालना होगा, क्योंकि इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसकी जो खुशबू है रोज़ की वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। इसमें ये सब भी नहीं डालेंगे ना तो भी आपका फलूदा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें सब्जा की भी और जब ये पक चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें पक चुकी हैं, गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है, और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी और फिर गैस बंद कर दूंगी। यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है और इसे मैं एक बार और चला दूंगी, और हमें इसे यहीं तक पकाना है। अगर हम इसे और ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसे भी मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और 5 मिनट के लिए बाहर ही रखा रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूंगी। मैंने इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, आप चाहें तो और देर के लिए भी रख सकते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कांच का गिलास लिया है और उसके अंदर ठंडा ठंडा फालूदा डाल दूंगी। फालूदा डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम मैंने बनाई है घर पर ही। इसमें अपनी कोई भी फेवरेट आइसक्रीम डाल सकते हैं। तो मैंने अच्छे से इसके अंदर आइसक्रीम डाल दी है। अब आइसक्रीम डालने के बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर डालूंगी फालूदा। और फालूदा डालने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से डालूंगी आइसक्रीम। क्रीम डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चेरी। चेरी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब डालूंगी स्ट्रॉबेरी सिरप। तो ये देखिए बनकर तैयार है रोज फ्लेवर फालूदा मिक्स। आप भी इसे ट्राई कीजिए और गर्मी में ठंडे ठंडे फालूदा का खाकर मजा लीजिए। तो आपको मेरे रेडीमेड पैकेट से फालूदा की रेसिपी कैसी लगी? अगर आप भी रोज फ्लेवर मिक्स फालूदा ट्राई करते हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, वो भी इंस्टाग्राम पर। कुकी फाइड विद रानी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाह, आपने कर दिया है सब्सक्राइब, तो कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये ठंडा फालूदा बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं भी, और इस गर्मी से बचे रहें। और ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। टेक केयर, बाय बाय।